मैं आपको, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं यहाँ आया हूँ तो ये इसलिए आ सका कि मेरे समाज के जो भी लोग हैं, धनगर शेफर्ड समाज के, उनकी शुभकामनाएं, शुभेच्छा और जिन उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए मैं यहाँ आ सका हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके विश्वास की वजह से मैं यहाँ आ पहुँचा। ये तो मैं महाराष्ट्र से सीमित पहले काम कर रहा था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित जी शाह तब अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं पूरी देश के पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े लोग जो है, उसके लिए उनकी कठिनाइयाँ क्या है ये समझ पाया। और हम बोलते हैं विविधता में एकता, तो वो किस तरह से काम किया कर सकते हैं यह भी मैं उनकी वजह से समझ पाया और उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। सर, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ और हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन और इसकी वजह से मुझे दो शब्द बोलना कठिन है, लेकिन दो ऑपरेशन करना आसान है। ये इस वजह से मैं वैसे राजनीति से बहुत दूर था, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी, उनके साथ में मैं रहा और वो तो एक मैग्नेट है सर। उनके पास जाएंगे आप तो अपने आप उनके तरफ खींचे जाएंगे। तो उनके साथ में रहकर मैं उनका देखा कि राजनीति से ज़्यादा लोकनीति करते हैं, तो वो लोकनीति करने के लिए मैं इस तरफ पहुंचा। यहाँ आने के लिए जैसे मैं लोकनीति की तरफ खींचा गया, लोकनीति करने लगा, वैसे ही आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने मुझे मौका दिया और उस वजह से मैं यहाँ, उनकी वजह से यहाँ पहुँचा। उन्होंने धनगर समाज के लिए तब बहुत, मैंने जो जो बताया उस तरीके से एक विकास का काम किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि एज ए पार्लियामेंटेरियन मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर तो सीखा ही, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियन कमेटी रहती है, स्टैंडिंग कमेटी रहती है और बाकी कमेटीज जो रहती है, उसमें जो चर्चा होती है और यहाँ जो चर्चा होती है उसमें काफ़ी फ़र्क है सर। पार्लियामेंट में ज़्यादातर मैंने देखा कि जो भी डिबेट्स होते हैं उसमें सामने वाला गलत है यह भाव रखकर डिबेट किए जाती है और उसे हम गलत कैसे बताएं, इस तरीके से डिबेट होती है और इस तरीके से अपनी बात रखी जाती है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, उसमें हम ये कठिनाई, परेशानी कैसे दूर कर पाएँ, इस तरीके से अपनी बात रखी जाती है, सब्जेक्ट एक्सप्लोर किया जाता है। तो मुझे लगता है वह भी एक तरीका अच्छा था और वो उसमें मैं काफ़ी कुछ सीख पाया कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द सब्जेक्ट और चर्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस किस तरीके से करने से हम कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार मैंने जो विलेज अडॉप्ट किए थे उसमें भी काम कर रहा था। तो विलेज अडॉप्ट करने के बाद सबसे पहले जो होता है, रोड रास्ते तैयार करो, गंदा पानी जाने के लिए नालियाँ तैयार करो और पंचायत समिति का बिल्डिंग करो, ये तो हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि लोगों से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। तो उस वक्त जिसका कोई नहीं उसका सरकार है, इस भावना से मनसुख मांडविया जी ने मुझे बहुत गाइड किया और उससे मैं लोगों से जुड़ पाया, धरोतल के लोगों के साथ मैं जुड़ पाया। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मुझे यहाँ सीखने के मौके काफ़ी मिले। यहाँ सभी सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ रहकर काफ़ी कुछ मैं सीख पाया। मैं उनके लिए भी मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूँ कि ये मौका मुझे मिला। और ये यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। खेद इस बात का नहीं है कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है, खेद इस बात का भी होता है कि यहाँ सब लोगों को मैं मिस करूँगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि बाद में मैं मिलते रहूं, आप लोगों से और कुछ सीखते रहूं। धन्यवाद।